हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहिर। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं आया हूँ इस पार्क में, पार्क में। ये वो पार्क है जहाँ पे मैं तकरीबन कोई 15 साल के बाद आया हूँ, और मैं उस साइड से दिखाता हूँ। इस पार्क में तकरीबन मैं 15 साल के बाद आया हूँ, जिसका नाम जो हम लिया करते थे वो था किसी पार्क, और ये हमारी उस टाइम पे पिच होती थी। यहाँ पे मैं बॉलिंग किया करता था तकरीबन कोई 15 साल पहले, जब क्रिकेट का फैसलाबाद में बहुत अरूज हुआ करता था। उसके बाद से टीवी हॉस्पिटल होता था, जिसके बाद वो जनरल हॉस्पिटल बन गया, और वहाँ पे भी क्रिकेट ख़त्म हो गई। तो इस पार्क को हमने क्रिकेट के लिए बहुत यूज़ किया। ये पिचें जो थी वो बहुत ज़्यादा खेलने के इस्तेमाल होती थी, हर पिच पर एक एक विकेट होती थी। तो आज करीब कोई 15 साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, और मेरा फिर से वैसे ही खेलने को दिल कर रहा है जैसे हम खेला करते थे। लेकिन अब वो फॉर्म नहीं है, उस तरह से स्टेमिना नहीं है, और खेलते भी नहीं है, तो काफ़ी मिस कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। वैसे तो अब ये फैमिली पार्क बन चुका है, साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी पिक्चर्स आप लोगों को नज़र आ रही है। ये भाई भी मेरे साथ हैं, इमरान भाई, वीडियोज़ बनाने के लिए। हाँ जी, ये अब बड़ा हो गया ना, तो जवान हो गया, इसलिए इसका बचपन, इसे बच्चे खेल रहे हैं तो इसे वो याद आ रहा है। मतलब ये वो सारी पिचें थी आज वैसे की वैसी पड़ी हैं, जिसने भी इसको मेंटेन किया है बड़े अच्छे तरीके से, इसको रखा हुआ है साफ सुथरा पार्क। अभी भी बच्चे खेल तो रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं खेल रहे जिस तरह से हम खेला करते थे। क्योंकि ये सारी ये वाली पिच थी, ये मेन पिच है इसकी, इस पार्क की। ये इसकी गुमदी बोलते हैं इसको, इसके सामने जो मेन पिच है यहाँ पे मैं खेला करता था। खैर, बड़ा याद आ रहा है वो सारा टाइम खेलने के लिए। इस मुमती को गुमती बोलते हैं या मुमती बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपना टिकटॉक में भी यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे टिकटॉक बनाने आए थे, लेकिन जब मैंने पार्क देखा तो मुझे याद आ गई, तो वही पार्क है यहाँ पर मैं बचपन में टीन एज में खेला करता था। तो मुझे वो टाइम पर यार, कितने की है ये साइकिल? अच्छी है साइकिल आपकी, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक स्केट है ना? नहीं, ये के लिए क्या है वो? ये अभी एक पुराना जो दोस्त था वो मिल गया भाई इमरान का, उसके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मैंने पहले ना YouTube पे देखी थी, और मैं सोच रहा था इसको बाय करने का, तो इसलिए मैंने इसकी ट्राई ली। बड़े मज़े की चीज़ थी, तो मैंने अभी चलाई है। वो लड़के लेकर अब मुझे दे नहीं रहे, उनकी साइकिल है ये वाले, ये दे नहीं रहे। तो डेफिनेटली अपनी चीज़ कोई थोड़ी सी देता होता, उसने मुझे दी, मैंने ट्राई की, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। डेफिनेटली उससे एन और एम ये व्लॉग देखेंगे, तो इनको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, आई थिंक इलेक्ट्रिक स्कूटी इनको बड़ी पसंद आएगी। तो यार मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन अभी मेरा कंट्रोल नहीं था, शायद वो दोबारा ना दे। यार मैंने बाद में उसकी बड़ी मिन्नतें की कि वो साइकिल मुझे दे दो, तो जो स्कूटी थी इलेक्ट्रिक स्कूटी वो मुझे दे दो, लेकिन उसकी जो बैटरी थी वो शायद डाउन हो रही थी और उसको घर जाना था, उसने दिया नहीं। खैर, आया तो था मैं टिकटॉक बनाने, लेकिन ये पार्क देखा और लोगों को रनिंग करते देखा और इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया, तो उसके तो मैं सारा कुछ भूल गया। मेन कंसर्न तो ये था कि पार्क मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसकी वो पिचेस बनी हुई हैं, अगर आपको नज़र आ रही है ना, सारी कितनी सारी, लेकिन छोटे बच्चे पार्क में खेलते हैं। पहले जब वो टेप बॉल खेलते होते थे ना, तो इन पिचेस पे खेलते हैं। एनी हाउ जी, इट्स टाइम टू गो बैक होम। पतंगबाजी ये कर रहे हैं बच्चे, इन लोगों को काफ़ी मना भी किया जाता है कि पतंगबाजी ना करो, लेकिन लोग बाज नहीं आते। ये बड़ी ख़तरनाक होती है, देखो। खैर जी, इट्स टाइम टू गो बैक होम। शाम हो रही है, अब घर जाने का टाइम हो गया, तो व्लॉग को करता हूँ मैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और आप लोगों की बहुत सारी मेमोरीज हैं जो आप लोगों को बहुत याद आती थी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।